ओए पार कर दो मेरी गाड़ी। आपको तमीज नहीं है, मैं आपको वैले पार्किंग वाला लगता हूँ क्या? और नहीं तो क्या, इस कंपनी का ओनर है तू? भाई यार आपको कोई गलत फहमी हुई है यार, इस तरह बात तो नहीं करते। समझ गया, चल लो 500 का नोट और मेरी गाड़ी पार कर दो। ठीक है मैं आपकी गाड़ी पार्क कर दूंगा, आप जाएं। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। तो ये आपका डेस्क है, ये आपका रूम है और आप आज से ही काम शुरू कर दें, मुझे आपसे बहुत अच्छे काम की उम्मीद है। वो देखो सलाउद्दीन भी आ गया, सलाउद्दीन बहुत अच्छे टाइम पे आए हो तुम, इनसे मिलो, ये तुम्हारे बॉस हैं सलाउद्दीन और ये तुम्हारे न्यू एम्प्लॉय हैं, तुम आपस में बात करो, मैं चलता हूँ। सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के बॉस हैं, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दें, मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज़ मुझे, मेरा आज पहला दिन था तो इसलिए मुझसे मिस्टेक होगी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं यार, खैर गलतियाँ होती रहती हैं, ज़रूर तुमने अपना कोई गुस्सा उतारा होगा, जैसे तुम किसी ट्रैफिक में फंस गए होगे या रेड लाइट पर रुक गए होगे, इसलिए कोई बात नहीं। वैसे मुझे याद ही नहीं रही तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम उज़ैर है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी गलती को माफ़ कर दिया, आइंदा मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मैं ईमानदारी से अच्छा काम करूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे से मिलकर अच्छा लगा, अच्छे से काम करो। ओके बॉस, कुछ ही दिन है तुम्हारे। मेरे ख्याल में अब काफ़ी रात हो गया, मैं घर जाना चाहिए, कल मिलते हैं। याद आई, तुम्हारी चाबी तो मेरे पास है गाड़ी की। गाड़ी कैसी पार्क की मैंने? बस बॉस गाड़ी तो आपने अच्छी पार्क की है। चलो कल मिलते हैं। ओके ओके ओके। ये क्या है बॉस? हाँ जी, क्या हो गया उज़ैर? बॉस ये बुक आपने रखी है? हाँ हाँ, ये बुक मैंने तुम्हारे लिए रखी है, इसको पढ़ो, तुम्हें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी इसमें। अच्छी बातें? ठीक है बॉस। ओके फिर कल मिलते हैं। ये उज़ैर को क्या हो गया है? मैं क्या तुम्हारे से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर, मैं आपके हर सवाल का जवाब खुशी से दूंगा, मगर ये उज़ैर को क्या हुआ है? ये डायरी क्या तुम्हारे से बिलोंग करती है? जी सर, ये डायरी तो मैंने कल उज़ैर को दी थी। झूठ बोल रही है, इसने मुझे कोई बुक नहीं दी। कल जब बॉस जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मुझे बाद में पुलिस वालों ने बताया कि आपकी गाड़ी के ब्रेक के नीचे से बुक निकली है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं बता दूं फिर पुलिस को मैं आपकी वजह से रुका हुआ था? बॉस ये सरासर सब कुछ झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो कल इसको बुक दी थी पढ़ने के लिए, ये सब झूठ बोल रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है ये। बस करो, ये तो इसकी नेकी और इसकी अच्छाई है, इसने पुलिस को जाके कुछ नहीं बताया, वरना तुम्हें पता है हमारी कंपनी की कितनी बदनामी और बेइज्जती होती। ये सब ड्रामे कर रहा है, इसको कुछ नहीं, हाथ बस करो, छोड़ो इसको। ये ड्रामेबाजी कर रहा है सारी। तुम्हारे पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस हो सकता है, पता है तुम्हें? चलो तुम मेरे साथ जरा। देखें बॉस, यकीन माने मेरी बात का, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सब झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो। देखो मुझे कंपनी से बढ़ के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम जानो और वो जाने, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, पहले कंपनी का नाम ढूंढने पे आया था मैं, अभी तुम्हें कुछ टाइम के लिए फायर कर रहा हूँ, तुम घर बैठो आराम करो, जब तुम्हारा ये मामला ठंडा हो जाए तुम मेरे पास आओ, मैं दोबारा तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा। आप उसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल रहे हैं, मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं और वो कल आया उसकी बात पर यकीन कर रहे, मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। भाई मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारी कोई गलती है तुम जाओ उससे माफ़ी मांगो, ये मामला सुलझाओ और मेरे पास दोबारा वापस आ जाओ, ठीक है? पहली कंपनी का नाम डूब रहा है इधर और मैं तुम्हें नौकरी पे रखा रहा हूँ। ठीक है सर। खबरदार मेरे घर के अंदर है, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं उज़ैर, मैं कुछ करने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हारे से माफ़ी मांगना है, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो मुझे माफ़ कर देना, और ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट भी लेके आया हूँ, मगर मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ ये किया क्यों है? मैंने तो बुक वहाँ पर नहीं रखी थी, तुमने क्यों झूठ बोला है? तुम्हारे जैसे मेरे नीचे काम करते हैं, मेरे जैसे तुम्हारे नहीं। और कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बॉस की नज़र में तो तुम घेर ही गए हो, अब तुम्हारी जगह मैं याशी करूँगा। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे, अब जो होना था हो गया यार, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब बॉस को जाके सब सच बता दो ताकि मुझे मेरी जॉब मिले, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई है। ऐसे कैसे, अब तुम्हारी जगह मैं जॉब करूँगा और तुम इधर से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात याद रखना, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। बड़ा आया मुझे सिखाने, इसमें क्या है? ओह ये क्या है? ओह दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएंगे, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, अब तुम पुलिस से बच के नहीं भाग सकते। बुराई और अच्छाई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।